हेलो गाइस, आई एम धनंजय और यू आर वाचिंग एनजी म्यूजिक प्रोडक्शन अवस्था। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं मिक्स क्राफ्ट 8 के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। मिक्स क्राफ्ट 8 एक म्यूजिकल डॉ है। इसमें आप साउंड डिजाइनिंग, मिडी राउटिंग, साइड चैनिंग एंड ऑडियो कंट्रोल ETC जैसे वर्क आप इसमें आप कर सकते हैं। मिक्सक्राफ्ट 8 के अंदर 7500 लूप्स दिए गए हैं और इस डॉ को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी म्यूजिकल ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप इस डॉ के अंदर म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। मिक्सक्राफ्ट 8 ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट लुक देखने को मिलता है। आपके सामने एक स्पेसिफाइड सेटिंग ओपन हो रखा होगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है आप जो भी प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट करना चाहते हैं उसमें कितने इंस्ट्रूमेंट ट्रैक की आवश्यकता पड़ेगी, ऑडियो ट्रैक की आवश्यकता पड़ेगी और आपकी टेम्पो कितनी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की कौन सी होनी चाहिए। आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रैक 2, ऑडियो ट्रैक 4, मास्टर ट्रैक शो होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर चेक कर रखा है। टेम्पो आपकी कितनी होनी चाहिए, जैसे मैंने 120 BPM पे सेट कर रखा है। की हमारी सी है, टाइम सिग्नेचर 4x4 की है, तो आप इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। अगर अंदर जाके मुझे ट्रैक की और भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अंदर में ऐड कर लूँगा। फिलहाल तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ और चलते अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जैसा कि मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई सेटिंग में कर रखा था, 2 मुझे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक चाहिए थे, 2 आ चुके हैं। 4 मुझे ऑडियो ट्रैक चाहिए थे, 4 ऑडियो ट्रैक आ चुके हैं और मास्टर ट्रैक शो होने चाहिए थे और यहाँ पर वो हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं मिक्सक्राफ्ट को 3 सेक्शन में आज हम लोग समझेंगे। पहला तो हमारा मेन्यू बार होगा, दूसरा हमारा ट्रैक्स होगा और तीसरा हमारा मिक्सर होगा। 3 सेक्शन में हम लोग आज इससे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन्यू बार से। मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने फाइल का आता है। फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है उसे सेव करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सेव प्रोजेक्ट को वापस ओपन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ आए तो आपके सामने यह मिडी का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, मतलब कि आप अपने प्रोजेक्ट को मिडी फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आए तो आपके सामने प्रेफरेंस का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। कहने का मतलब कि आप अपने मिक्सक्राफ्ट की सेटिंग के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले का, इंटरफेस का, प्रोजेक्ट का, रिकॉर्डिंग का, मेट्रोनोम का, मिडी तक का आप सेटिंग के साथ यहाँ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ आए तो यहाँ आपके सामने मैनेज प्लगइन्स का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, मतलब कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जितने भी VST प्लगइन्स है सभी को आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सभी प्लगइन्स को चेक कर रखा है, जैसे कि इस तरीके से मैंने कर रखा है कि ये हमारे ट्रैक्स के FX स्लॉट में शो करे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे हमारे FX स्लॉट में सभी के सभी VST प्लगइन्स शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने VST प्लगइन्स को मैनेज कर सकते हैं फाइल्स के अंदर जाकर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारे सामने एडिट का आता है। एडिट में सिंपल से आप अपने ऑडियो को मिक्स या म्यूजिक को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अंडो कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप एडिट में जाके कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे सामने मिक्स का दिया हुआ है। मिक्स में जनरली हम लोग ऑडियो या म्यूजिक को प्ले करते हैं, पॉज करते हैं, रिवाइंड करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड तक कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से मास्टर की वॉल्यूम के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ से भी मास्टर की वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं या हो सके तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ से आप चाहे वहाँ से आप इसकी वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, मिक्स के भी अंदर कर सकते हैं। नीचे की तरफ आए तो आपको सामने यहाँ पे एक टेम्पो का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, मतलब आप यहाँ से टेम्पो इसके साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं और की के साथ भी, जैसे कि आप यहाँ से कर सकते हैं BPM इसकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से की चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टाइम सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। तो आप मिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और आपके सामने यहाँ बहुत ही कूल फीचर्स दिए गए हैं बीट मैच का। ये आगे जाकर हम लोग सीखेंगे कि बीट मैच हम लोग करते कैसे मिक्सक्राफ्ट के अंदर। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे ट्रैक का मिल जाएगा। ट्रैक में हम लोग, जैसे कि हमने शुरू में आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग अंदर में अगर ट्रैक की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं ट्रैक अंदर को ही। इस प्रकार से ऐड ट्रैक में जाएंगे, ऑडियो ट्रैक आपको ऐड करने या इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड करने हैं, उस प्रकार से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहां से ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद नीचे की तरफ आए तो आपको यहाँ पे शो मास्टर ट्रैक, जैसे कि मैंने वहाँ पे क्लिक कर रखा था कि मास्टर ट्रैक हमारे शो होने चाहिए हमारे ट्रैक्स के अंदर, यहाँ पे क्लिक मैंने चेक किया हुआ तब यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, पांचवा ऑप्शन हमारे सामने साउंड का आता है। साउंड में क्लिक करते तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं म्यूज़िक क्लिप या ऑडियो क्लिप, तो सिंपल से आप ऐड साउंड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जिस फॉर्मेट का आप कराना चाहते हैं, MP3 हो, वेव हो, या आप MIDI फॉर्मेट का, किसी फॉर्मेट का आप यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं फाइल। ठीक है, फाइल क्लिक करने के लिए सिंपल से यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, ये इंपोर्ट हो जाएगा हमारा मिक्सक्राफ्ट के अंदर। सेकेंड ऑप्शन साउंड के अंदर आपके सामने ऐड इंस्ट्रूमेंट्स क्लिप करके आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पैटर्न आ जाएगा। इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं म्यूज़िक किस प्रकार से, तो आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे पियानो ओपन हो रखा है इस वाले पैटर्न में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ओपन हो जाएंगे, किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट के साथ आप म्यूज़िक क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी तक तो पियानो, एकॉस्टिक पियानो सेलेक्ट हो रखा था, तो मैं इसी पे क्रिएट करना चाहूँगा, तो सिंपल से म्यूज़िक टाइपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं, अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, ए डब्ल्यू एस ई डी, इस प्रकार से, मतलब कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप कीबोर्ड वगैरह की, तो आप सिंपल से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड से ही काम कर सकते हैं, म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ, तो मैं कीबोर्ड पे ए प्रेस करता हूँ, तो जैसा कि सुन पा रहे हैं आप, ये प्ले होना शुरू हो चुका है। तो सिंपल से आपके पास, अगर आप बिगिनर हैं तो अभी आपके पास उतने बजट नहीं है, तो आप सिंपल से कीबोर्ड या लैपटॉप के कीबोर्ड से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। छठा ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे वीडियो का आ जाता है। वीडियो में सिंपल सा हम यहाँ से वीडियो को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर की म्यूज़िक को हम अलग से सेपरेट करके मिक्स एंड मास्टरिंग भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, सातवां ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे व्यू का आ जाता है। व्यू में सिंपल सा हम लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे म्यूज़िकल टाइपिंग का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक करके, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करके म्यूज़िकल टाइपिंग ओपन किया था, आप चाहे तो सिंपल सा आप व्यू में जाएंगे, म्यूजिकल टाइपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आए तो आपके सामने यहाँ पे व्यू के अंदर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, मतलब कि आप अपने प्लेलिस्ट को कुछ जूम इन जूम आउट कर सकते हैं ये व्यू के अंदर जाकर। ठीक है, आठवां और सबसे लास्ट ऑप्शन आपके सामने हेल्प का मिल जाता है। हेल्प में अगर आपको किसी प्रकार का परेशानी, अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं मिक्सक्राफ्ट के अंदर, तो सीधा आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूछ सकते हैं और वहाँ पर अपनी कंप्लेन भी रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ देखें तो आपको कुछ यहाँ पे आइकन्स आपको नज़र आ जाएंगे, ये वही आइकन्स है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर की ओर समझाया था, उन्हीं के शॉर्टकट आइकन्स आपको नीचे की तरफ दिए गए हैं। जैसे कि पहला हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, जैसे कि आप हिंट पैनल में आप देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने सेव प्रोजेक्ट को ओपन करने का है। तीसरा आइकन हमारे सामने, जैसे कि मैंने आपको साउंड में बताया था किस प्रकार से आप अपने म्यूज़िक या ऑडियो क्लिप को आप ऐड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे अपने मिक्सक्राफ्ट के अंदर, सीधा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे भी इस प्रोसेस से भी आप इंपोर्ट करा सकते हैं अपने ऑडियो क्लिप को मिक्सक्राफ्ट के अंदर। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेव प्रोजेक्ट का, अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा। यहाँ पे इस आइकन अंडो का, जो कि मैंने आपको एडिट के अंदर बताया था किस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट को आप अंडो कर सकते हैं, सिंपल से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट अंडो हो जाएगा। ये जूम का है, जैसे कि मैंने आपको व्यू के अंदर बताया था जूम इन जूम आउट का, तो यहाँ से अपने आप प्लेलिस्ट के बार को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे जूम हो रहे हैं, क्लिक करेंगे जूम आउट हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसके सामने आपको मिडी का ऑप्शन नजर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था मिडी का ऑप्शन। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले का, इंटरफेस का, उसके बाद फिर आपके सामने रिकॉर्डिंग वगैरह का, जो कि सेटिंग मैंने आपको फाइल के अंदर नीचे प्रेफरेंस के अंदर बताया था। ये सभी शॉर्टकट आइकन्स आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी टाइम आप अच्छे से उसको मैनेज कर पाएंगे, जितना जल्दी आप शॉर्टकट कीज़ को आप समझेंगे, यूज़ करना सीखेंगे, उतनी जल्दी आपकी प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा वॉल्यूम का नज़र आ जाएगा, इसको क्लिक करते नीचे की तरफ स्क्रॉल करते तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, पैन का मिल जाएगा, लो पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मिल जाएगा,
लो पास रेजोनेंस को मिल जाएगा, हाई पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मिल जाएगा, हाई पास रेजोनेंस का मिल जाएगा। मतलब कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है इसको किस प्रकार से यूज़ करेंगे मिक्सक्राफ्ट के अंदर। ये तो मैंने वैसे भी आपको एफएल स्टूडियो वाले ट्यूटोरियल में बता दिया था किस प्रकार से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं, लेकिन मिक्सक्राफ्ट के अंदर भी आपको हम इसकी जानकारी बिल्कुल देंगे किस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके सामने आपको सामने यहाँ स्नैप 8 बार्स का आ रहा है, मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में यहाँ से 8 बार के बाद यहाँ पे ये यहाँ से बार को अलग से सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो आप चाहते हैं अगर तो इसको बार्स को आप और भी शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब आप मूव करेंगे तो यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बाद ही मूव होगा, मतलब इसके बीच में आप कुछ एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल से आप ऑफ कर सकते हैं ग्रेड को, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 बार के अंदर आपके 8 छोटे छोटे बार्स आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, उसके सामने देखा जाए तो यहाँ पर आपको टाइम और बीट का ऑप्शन नजर आया, बीट पे क्लिक हो रखा है, मतलब कि आपके जो बार काउंट हो रहे हैं वो बीट में हो रहे हैं। टाइम पे क्लिक करते हैं तो आपके बार टाइम पे आप काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल तो मैं बीट पे ही रखता हूँ इसे। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, मतलब कि ट्रैक्स वाले पार्ट पे, इसको किस तरीके से हम लोग समझेंगे, तो आइए जानते हैं। हमारे सामने दो ऑप्शन यहाँ पे ऊपर की ओर नजर आते हैं, एक ट्रैक का आता है, एक मास्टर ट्रैक का आता है। ठीक है, ट्रैक पे आप क्लिक करते हैं तो सिंपल सा जैसे कि मैंने आपको बताया था मेन्यू वाले पार्ट में कि आप अगर ट्रैक ऐड करना चाहते हैं ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐड आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं ट्रैक और ट्रैक्स के अंदर ही, तो सिंपल से आप ट्रैक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे पूछा जा रहा है किस प्रकार का आप ट्रैक ऐड करना चाहते हैं, ऑडियो करना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड करना चाहते हैं, वीडियो ट्रैक ऐड करना चाहते हैं, सिंपल से आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर ट्रैक पे यहाँ पे ग्रीन हो रखा, मतलब कि आपके ट्रैक्स के अंदर ये शो हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं शो हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे ग्रीन हो रखा। अगर मैं चाहता हूँ ये शो ना हो, सिंपल से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या अनशो होने लगेंगे, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं 2 हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है और 4 हमारे सामने ऑडियो ट्रैक आपको नजर आ रहे होंगे। सामने की तरफ देखा तो यहाँ पर परफॉर्मेंस का आपको नजर आ जाएगा ऑप्शन। फिलहाल तो मैं ये ऑप्शन को भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ये आगे जाकर हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। नीचे की तरफ आया तो यहाँ आपके सामने एकॉस्टिक पियानो का ऑप्शन नजर आ जाएगा, मतलब कि आप इसके अंदर जो भी बीट क्रिएट करेंगे, जो भी म्यूजिक क्रिएट करेंगे वो पियानो का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एकॉस्टिक पियानो हमने सेलेक्ट कर रखा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप गिटार सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपल सा आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सर्च करेंगे गिटार, तो आपके सामने यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन गिटार का मिल जाता है, किस प्रकार का आप गिटार, फंक गिटार, आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे गिटार का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंथ गिटार, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सिंथ गिटार पे क्लिक करता हूँ, यहाँ म्यूजिकल टाइपिंग पे क्लिक करता हूँ, हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि एफ यहाँ पे बोला जा रहा है प्रेस करने के लिए। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से, वो आपने देखा। तो चलिए देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कुछ रिकॉर्ड करके। तो रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे पहले टाइपिंग म्यूजिकल टाइपिंग ओपन करना होगा, ठीक है, और यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग बटन ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी रैंडम की प्रेस किया, कुछ म्यूजिक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, तो इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं म्यूजिक को, आप किस प्रकार से इसको और भी इफेक्टिव कर सकते हैं। तो सिंपल से आपके सामने पहला ऑप्शन तो म्यूट का आता है, मतलब कि आप इस प्लेलिस्ट के इस ट्रैक को आप पूरा म्यूट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने सोलो का मिल जाता है, मतलब कि आप इस वाले ट्रैक को ही सिर्फ प्ले करेंगे, बाकी सभी के सभी ट्रैक आपके म्यूट होंगे। ठीक है, उसके ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पैनिंग का, किस प्रकार से, सुन पा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे सामने ऑटोमेशन क्लिप का जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेशन क्लिप बना हुआ आ जाएगा, इसको अपने तरीके से आपको इसकी वॉल्यूम की वेरिएशन को क्रिएट करना है। वॉल्यूम की ही नहीं और बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पैनिंग के भी आप क्रिएट कर सकते हैं, पैनिंग पे क्लिक करेंगे तो पैनिंग के भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपके सामने यहाँ इफेक्ट स्लॉट का मिल जाता है, मतलब कि आप इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे यहाँ पे इफेक्ट प्लगइन्स है, सबका आप यूज इस ट्रैक के ऊपर या इस प्लेलिस्ट के अंदर आप कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको चूज़ करना होगा कौन सी इफेक्ट प्लगइन आपको यूज़ करने। जैसे कि अकोस्टिका ईक्यू मैं यूज़ करूँगा, तो इसके ऊपर लग चुके हैं। ठीक है, सुनते हैं। अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट पे क्लिक करूँगा, अपने तरीके से इसे अरेंज करूँगा इस तरीके से। मान लीजिए मैं कुछ भी कर लेता हूँ, वो भी रैंडमली। अब मैं यहाँ पे इसे कट करता हूँ, अब सुनते हैं क्या। तो इस प्रकार से आप अच्छे से अपने म्यूज़िक को आप और भी इफेक्टिव बना सकते हैं उस पर इफेक्ट वगैरह यूज़ करके। ठीक है, तब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही इफेक्ट यूज़ कर सकते, आप जितने चाहे उतने इफेक्ट आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएंगे, उतने इफेक्ट आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर्स है। अगर आप एफेक्ट्स एक भी आप इफेक्ट प्लगइन यूज़ करते हैं तो आपके यहाँ पे एफेक्ट्स ग्रीन हो रखा होगा, मतलब आपने कोई इफेक्ट इस वाले ट्रैक पे या इस वाले प्लेलिस्ट में आपने यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, उसके सामने आपको यहाँ पे आम का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, मतलब कि ये रिकॉर्डिंग के लिए है। अगर आप बीट वगैरह रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम का नॉब मिल जाता है, मतलब आप इस ट्रैक की वॉल्यूम के साथ छेड़ सकते हैं। कम करेंगे, सुनते हैं। सुन पा रहे हैं, मतलब आप वॉल्यूम के साथ यहाँ से ऊपर की ओर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि नीचे की तरफ देखें तो एफएक्स एफएक्स लिखा हुआ है, मतलब कि इसके अंदर अभी तक कोई भी इफेक्ट प्लगइन यूज़ नहीं हुए हैं, इसके अंदर हो रखे, इस वजह से यहाँ पे ईक्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर ईक्यू का यूज़ हमने किया हुआ है। चलिए हम अपने ट्रैक्स के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करके देखते हैं किस प्रकार से इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है अपनी ऑडियो की। तो उसके लिए आपको ऑडियो ट्रैक को सिलेक्ट करना होगा, ऑडियो ट्रैक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आर्म फॉर रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना होगा। अब सुन पा रहे, यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है ये ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बस यहाँ पे नीचे की तरफ इस वाले बटन को रिकॉर्डिंग मोड है इस पर आप क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले ट्रैक को म्यूट कर देता हूँ। म्यूट के लिए आप यहाँ जाएंगे, म्यूट हो चुका है, वापस अपने ट्रैक पर आएंगे, क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी गानों की रिकॉर्डिंग वगैरह, अपनी वोकल रिकॉर्डिंग, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के अंदर करेंगे। ठीक है, ये ऑडियो ट्रैक के लिए है, ओनली वोकल के लिए है। ठीक है, तो मैं कीबोर्ड पे स्पेस प्रेस करूँगा तो ये पॉज हो चुका होगा रिकॉर्डिंग, मतलब कि ऑफ हो चुका है। ठीक है, वापस से आम बटन पे हिट करेंगे तो ये पूरी तरीके से स्टॉप हो चुका है जैसे कि आप सुन पा रहे हैं। तो वापस से सुनते हैं, रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी गानों की रिकॉर्डिंग वगैरह, अपनी वोकल रिकॉर्डिंग तो सुन पा रहे हैं, मतलब कि ये रिकॉर्डिंग अच्छे से इस प्रकार से हो चुकी है इसकी। ठीक है, नीचे की तरफ आया तो यहाँ से बहुत सारे आपको ऑप्शन नज़र आते हैं। पहला तो रिकॉर्डिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको यूज़ करके दिखाया, ये आपका सीधा आपको बिगिनिंग से स्टार्ट कर देगा आपकी म्यूज़िक। मान लो कि मैंने यहाँ तक सुना हुआ है, ठीक है, मैं चाहता हूँ वापस से दोबारा सुनना, तो मुझे यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना होगा तब जाके मैं यहाँ से वापस से सुन पाऊँगा। सिंपल, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से स्टार्ट होने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, प्ले पॉज करने के लिए आप स्पेस बार का यूज़ कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में। रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो पॉज हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते कि एक एक करके पीछे ये मतलब कि जाए, डिक्रीज हो इसकी लेंथ, तो आप इस वाले बटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइंड करने के लिए आता है, देखिए। उसके बाद आगे की तरफ देखिए, फास्ट फॉरवर्ड के लिए आता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सीधा लास्ट हो जाए तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधा एंड हो जाएगा आपकी रिकॉर्डिंग के। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे लूप का है, तो मतलब आप इसे लूप में सुनना चाहते हैं तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पार्ट को और यहाँ पे लूप पे क्लिक कर देंगे, तो मतलब आप ये रिकॉर्डिंग आपका होना स्टार्ट हो गया, अपने आप रिकॉर्डिंग ये लूप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको बार बार ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मान लीजिए आप कभी एडिट वगैरह करते हैं अपने सॉन्ग की, तो आप चाहते हैं कि इतना सा पार्ट बस मैं सुनूं, इतना सा ही पार्ट, तो आप सीधा यहाँ पे लूप पे क्लिक करेंगे। इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग अगर आप करना, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग अगर आप, तो इस प्रकार से आप उसको अच्छे से एडिट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये यह है आपका मेट्रोनोम का, मतलब आप जब भी रिकॉर्डिंग वगैरह करते बीट के साथ आप गाना चाहते हैं अपनी सॉन्ग को,
तो आप मेट्रोनोम को यहाँ से ऑन कर देंगे, ये टिक टिक एक घड़ी टाइप की साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे कि मैंने आपको एफएल स्टूडियो वाले ट्यूटोरियल में बताया था। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेट्रोनोम आपका स्टार्ट हो चुका होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्लेबैक होनी चाहिए, सभी चेक करने पड़ेंगे आपको, कितने बार काउंट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 बार कर देता हूँ, 2 बार काउंट होनी चाहिए। वॉल्यूम यहाँ से आप मेट्रोनोम की कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रैक को भी मैं म्यूट कर देता हूँ। इस वाले ट्रैक पे मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग पे मैं क्लिक कर दूंगा। रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वैसे ही आपके सामने मेट्रोनोम का टिक टिक जैसा साउंड आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं बीट के साथ। ठीक है, फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको ऑडियो भी बता रहा हूँ किस प्रकार से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल में ये वैसे वीडियो वो काफ़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप इसके अंदर बीट मैच वगैरह कर सकते हैं अपने ऑडियो के साथ। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा तो आप सुनिएगा। सुन पा रहे हैं? मतलब स्टार्ट होने से पहले ये आपकी टिक टिक जैसे साउंड की आप रेडी हो जाओ, आपकी जो गाने हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, उस तरीके से आप बीट मैच कर सकते हैं अपने गानों के साथ। ठीक है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ हो चुके हैं, इसे मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सभी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ट्रैक्स के अंदर लास्ट जो फीचर्स हमारे पास दिया हुआ है वो है रिकॉर्डिंग पंचिंग आउट का ऑप्शन। इसको यूज करने से आपके बार सेपरेट हो जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बार हमारे सेपरेट हो चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आपके सामने बीपीएम का ऑप्शन दिया हुआ है, टेम्पो का दिया हुआ है, यहाँ से टेम्पो छेड़ सकते हैं, टाइम सिग्नेचर की नीचे की तरफ टाइम, और यहाँ पे आपके सामने मास्टर की वॉल्यूम है पूरे होल प्रोजेक्ट की। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन कर दिया अब हुआ बात है। करते हैं पार्ट 3 अपने मिक्सर के बारे में। तो मिक्सर में सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम, टाइटल, ऑथर, कौन से जॉनर्स का वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आता है यहाँ पे साउंड का। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी बीट वगैरह बनाए, जो भी मैंने म्यूजिक यहाँ पे बना रखा है, वो उसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं की आपको नज़र आ जाएगी, कौन कौन से की पे कौन कौन से आपके नोट्स हैं देख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ से इसको सेलेक्ट और मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे पियानो का है, स्टेप का, स्टेप पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसके अंदर मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप यहाँ से इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करती है आपको किस टाइप की मेलोडी क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें क्या फीचर मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आप इसके अंदर नॉइज़ रिमूव भी कर सकते हैं अपने, अगर ऑडियो आपने रिकॉर्ड किया हो, कोई नॉइज़ किसी प्रकार का आ रहा है तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। सिंपल से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, तो आपके सामने ये ऑडियो आ रखा जो कि मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी देर पहले आपके सामने किया था। तो यहाँ पर जाने के बाद सुनते पहले इसे म्यूट करके, किसी प्रकार का नॉइज़ हो तो मैं उसे रिमूव करूँगा। रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैं थोड़ा साउंड को लाउड करता हूँ कि मुझे और भी अच्छे से नॉइज़ सुनाई दे, कि आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें नॉइज़ है। मैं यहाँ पे ऑडियो पे जाऊँगा, जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नॉइज़ रिडक्शन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, मतलब इसकी जैसे जैसे आप इसकी परसेंटेज इंक्रीज करेंगे नॉइज़ रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस हल्का इंक्रीज करते हैं। इस प्रकार से आप अपनी गानों की रिकॉर्डिंग वगैरह अपनी वो सुन पा रहे हैं। वोकल रिकॉर्डिंग, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग अगर आप कर, काफ़ी हद तक नॉइज़ रिमूव हो गई है, लेकिन हमारी जो वोकल थी, वोकल की क्वालिटी थी, वो कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इसको मैं इतना अपने अंदाज से इतना इसको नॉइज़ फ्री करेंगे जहाँ तक कि इसकी जो ओरिजिनल जो इसकी क्वालिटी हो ऑडियो की, वो फटे ना ही ख़राब हो। ठीक है, तो मिनिमम करेंगे इसे, और जितना हो सके आपसे कि आप नॉइज़ फ्री रिकॉर्डिंग करें, करना चाहते तो वो आप इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के अंदर करेंगे। ठीक है, ये ऑडियो ट्रैक के लिए है, ओनली वोकल के लिए, सुन पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आप सेट करेंगे जहाँ तक आपसे आपकी नॉइस फ्री हो सके,
और क्वालिटी आपकी खराब ना हो, ये मायने आप ध्यान में रख के करेंगे। फीचर्स की बात करें तो साउंड के अंदर हमारे सामने यहाँ पे लूप को प्ले और पॉज का ऑप्शन नजर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ से आप अगर इसे वर्टिकली जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वर्टिकली ये जूम हो रहा है। डिक्रीज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल इसे जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जूम होना स्टार्ट हो चुका है, जूम आउट। अगर आप ये सारी फीचर्स को हाइड करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और स्पेस काफ़ी मिल जाएगा आपको प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अपने लूप के ऊपर, ठीक है। इसे मैं अनहाइड कर देता हूँ। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे स्नैप टू 8 बार लिखा होगा, मतलब आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते, इस पार्ट को आप चाहते स्लाइस करना, इसे हटाना, रिमूव करना चाहते, इसे कट करना चाहते या कॉपी करना चाहते हैं, सिंपल सा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे, ऑफ करेंगे या ग्रिड पे क्लिक करेंगे। ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे इस पार्ट को, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। साउंड में और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप इसके टेम्पो के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं इस लूप की, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट हुआ है मिक्सर। मिक्सर में आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर रखा है 2 इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, 4 ऑडियो ट्रैक, 1 मिक्सर ट्रैक शो होने चाहिए थे। उस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने 4 ऑडियो ट्रैक हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट ट्रैक हैं और 1 मास्टर ट्रैक जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और इसके ऊपर की तरफ देखें तो 3-3 नॉब सभी में दिए गए हैं, इनका यूज़ क्या है, किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मिक्सर के अंदर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर्स हमारे सामने मिक्सर की वॉल्यूम को एडजस्ट करने का आता है। आप इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट भी कर सकते हैं ट्रैक्स की। दूसरा फीचर्स ये है कि आप इसको पैनिंग इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं मिक्सर ट्रैक के थ्रू। किस प्रकार से, तो मैं सबसे पहले इसे सोलो प्ले करता हूँ यहाँ से, सुन पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सोलो प्ले कर सकते हैं अपने ट्रैक्स को, यहाँ से इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आए तो आपके सामने सभी ट्रैक्स के ऊपर, मिक्सर ट्रैक्स के ऊपर 3-3 नॉब नज़र आएंगे। सभी के सभी नॉब इक्यू के हैं, इक्वलाइजर जिसे कहते हैं। ये हाई है, ये मीडियम है, ये लो है। इक्वलाइजर को हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर में लाते हैं, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो आप जाकर FL स्टूडियो वाले ट्यूटोरियल जाकर देख सकते हैं। पैरामेट्रिक इक्यू 2 करके मैंने वहाँ पे बना रखा है ट्यूटोरियल पहले से, वहाँ पे जाकर चेक करें किस प्रकार से इक्वलाइजर का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अमाउंट, किस प्रकार से आपको हाई रखने, इक्वलाइजर लो रखने, मीडियम रखने, उस प्रकार से आप देख सकते हैं। 2 हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक थे तो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं मिक्सर ट्रैक के थ्रू ही। बाकी सभी में सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि इफेक्ट वगैरह यूज़ करना अपने ट्रैक्स के अंदर, मिक्सर ट्रैक के अंदर, वो भी आप कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे ट्रैक के ऊपर में तो यहाँ पे एफएक्स करके आपको स्लॉट मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कितने जितने भी प्रकार के आपके इफेक्ट प्लगइन सभी शो हो जाएंगे, सीधा आप अपने मिक्सर ट्रैक के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी फीचर्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग का। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, इफेक्ट प्लगइन्स के यहाँ पे ऑप्शन जो कि चेक हो रखे हैं। यहाँ से आप इक्वलाइजर के जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, सभी के सभी यहाँ पे चेक हो रखे हैं। इस प्रकार के आपको फीचर्स इसके अंदर मिलते देखने को। मास्टर ट्रैक की बात करें तो यहाँ पे मास्टर ट्रैक में भी आपको 3 मिलते हैं, EQ के और यहाँ पे वॉल्यूम के मिलते हैं। इसमें और कुछ खास रहती नहीं, इफेक्ट्स अगर इसमें आप ऐड करना चाहते हैं सीधा मास्टर ट्रैक में, वो भी आप कर सकते हैं। और चौथा जो हमारा लास्ट है वो हमारा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिक्सक्राफ्ट 8 के अंदर आपको 7500 लूप्स दिए गए हैं, तो वो आपको सारे के सारे लूप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसे आपको डाउनलोड करना होगा इंटरनेट के थ्रू, सभी को एक एक करके आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको सीधा आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जैसे कि अभी हमारे सामने ओपन हो रखा है 7968 टोटल लूप्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इसे सीधा आप पहले डाउनलोड कर ले, उसे सीधा आप अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो सीधा ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आपकी जो प्रोजेक्ट है और भी अच्छे से वो निखर के बाहर आएगा, उसकी खूबसूरती और वो सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइब्रेरी में जितने भी साउंड यहाँ पे दी हुई है सभी के सभी बेस्ट है। बस गाइस, बस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में FL स्टूडियो मिक्सक्राफ्ट और भी काफ़ी सारे डॉ के ऊपर। इसी तरीके से म्यूज़िक ट्यूटोरियल आती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।